यहाँ से यहाँ खाया, ये पिया, यहाँ से सीधा चला गया। ये साहब है, ये कावे की यही तो खासियत और यही कमाल की बात है। ये भाई आपको बताएगा कावे के बारे में। यार ये कावा हेलो फ्रेंड्स, तो फुल टाइम खाने के साथ आपका मेज़बान मैं ताव खान नाजर है। तो आज हम जिस जगह पे आए हैं वो तो बड़ी ही फेमस, बड़ी ही पॉपुलर कोयटा के नाम से सरगोधा में कोयटा एक होटल है। कोयटा ओवरऑल पूरे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जहाँ कहीं भी आप जाएंगे कोई मशहूरी के लिए नहीं है, ये बड़ा ही फेमस और बड़ा ही इनका एक यूनिक सा टेस्ट होता है। इनकी एक सर्विंग भी एक अलहदा किस्म की स्पेशली ट्रेडिशनल को ये कोयटा को फॉलो करते हैं। उसके अलावा इनका जो पराठा है, जो इनके दूध वाला पराठा, मलाई वाला, जो इनकी जो भी चीज़ें होती हैं सर्विंग के अलावा, जो इनका मेकिंग प्रोसेस होता है वो भी बड़ा मज़े का और बड़ा ओल्ड और ट्रेडिशनल टाइप होता है, वो बड़ा इस्तेमाल कर तो वो हम रिव्यू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमेशा की तरह शरियार साहब आज भी हमारे साथ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मेरे पावे ना मनो लेकिन अशरीफ इंसान लाजमी किसी मदद नहीं है, तो लाजमी से आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं हम इनके रिव्यू करने खाने का और बताते हैं कैसा इनका टेस्ट है चाय का, और पराठा भी जो ऑर्डर किया है, उसके अलावा जो इनका कावा स्पेशली सबसे जो फेमस पठानों की जो सुखात है, जो हाजमे के लिए सबसे ज़्यादा जो पीते हैं वो कावा, वो भी हम ट्राई करें। माशाल्लाह जो हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर जो हमने उसे किया था वो है मलाई पराठा और गुड़ वाला पराठा। ये बड़ी एक स्पेशल सी मैंने बताया कि यार आपने ये मलाई वाला पराठा और जो गुड़ वाला पराठा है वो आपने ला सकते। अच्छा, गुड़ वाले पराठे के ऊपर ये मैंने इसका हल्का सा टच दे दिया है अंडे का, तो ये अंडे वाला पराठा ये हम टेस्ट करेंगे। और ये सबसे पहले मलाई वाला, इसमें मलाई इन्होंने अंदर फिलिंग की हुई है वो देखते हैं। बड़ी एक ये हैवी सा लग रहा है ये, अभी इसे यहाँ से ये अंदर से चेक करते हैं। फुल मलाई, मलाई ये इसको अब टेस्ट करते हैं। थोड़ा सा गर्म भी है ज़रा, इंडियन बिचाड़ी हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली पराठा जो सिंपल सा होता है पराठा, वो इन्होंने उनकी शेप भी पराठे की डिफरेंट है, पुट्ठा डी बढ़िया होता है, तो वो बना इन्होंने एक उसके अंदर जो मलाई वाली है बिल्कुल ऐसे जैसे मलाई है, एक नॉर्मल और एक यूनिक किस्म है जैसे मलाई है। मलाई घर वाली जो है वो ही जैसे जो बनती है उसके अंदर पराठे की फिलिंग काटी है ठीक है और अच्छा पराठा। उसी हिसाब में ये वाला करते हैं अंडा और गुड़ वाला, इसके अंदर हमने फिलिंग की हुई है गुड़ की। अब ये इसके सॉस, सॉस है ये मिंट वाली, और ये ऐसे, और ये हमने अच्छा ये पराठा ये ऐसे, ये इसकी टिप और यह मुँह दे ये बहुत ही मज़े का। इसमें ये जो गुड़ वाली मिठास है ना
चीनी तो इन्होंने वैसे भी यूज़ ही, ये गुड़ और ऊपर से जो अंडा है इस जो दोनों का हल्का जो टच आ रहा है, जो फीलिंग आ रही है, वो आपको मैं फीलिंग का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ये जो श्रेष्ठ नहीं होती लावा जिन कही है, ये बिल्कुल इन्होंने वो ऑयल के साथ ये लग गया गुड़, इसके चक्स ये गुड़ लग गया बिल्कुल, इसमें मिठास आ गई। ऊपर जो उन्होंने हमने अंडे का ये इन्हें कहा एक स्पेशली, अब ये जो हल्का ये एक नवाला बनाओ, ये इसे यार ये चीज़ ना कहीं ब्रेड में मिलेगी आप, जब गुड़ और जो अंडे का है ना क्या कहने, मैं कहता हूँ सुपर से भी ऊपर इस चीज़ में हल्के हल्के चंक्स भी मुँह में आएंगे गुड़ के, अंडा बताने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, बस कहता खाता जो खाता इतने मजे का जो पराठे के बाद जो दिल पे थोड़ा सा बोझ नहीं होता है, जरा वजनी वजनी जो दिल में चिमा होता है यार, हूँ साथ में ऐसे कोल्ड ड्रिंक पिए या की है, लेकिन जो पठानों की सुगात पठानों का ये कावा कल्चर जो है वो ये देखें, इसमें जो ये लीमू ये लेमन का जरा बीज ने जरा साइड से करिए जरा निचोड़ने, अब ये मैदे में जाके जो करेगा ना, यहाँ से यहाँ खाया ये पिया यहाँ से सीधा चला गया, ये हिसाब है, ये कावे की यही तो खासियत और यही कमाल की बात है। ये भाई आपको बताएगा कावे के बारे में यार, ये कावा ये दाल चीनी और इसके अंदर जो पुदीना मिंट जो पुदीना वो फ्लेवर जो है वो कोयटा होटल जिंदाबाद, बड़ा मज़े का और बड़ा डिलीशियस किस्म का कावा पराठा सब कुछ, क्या ही मज़े का इनका फूड। अगर आप सरगोधा में ये वीडियो देखें तो काइंडली यार लाजमी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनकी सर्विंग इनकी जो क्लीन बेसिकली जो लोकल ढाबों में होता है वो ये होता जा रहा है, बच्चे अगर लाई सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन इन्होंने सफाई का भी निज़ाम इनका अच्छा है और क्वालिटी फूड की गोली बेहतर है, तो क्या बात है ज़बरदस्त है, लाजमी आपने ट्राई करना। तो अभी हम हमारे साथ यहाँ कोयटा होटल के ऑनर हैदर साहब हैं, तो पहले तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतना बिजी टाइम में से अपना हमें टाइम निकाल के दिया। तो हैदर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? तो कब से ये आपने स्टार्ट किया है ये जो कोयटा होटल है? तो ये ब्रांच हमने खोली है, इसके अलावा इससे पहले हमारा इस्लामाबाद कराची और लाहौर में ब्रांच है। ठीक है ठीक है, तो माशाल्लाह आपका जो टेस्ट है वो बड़ा मज़े का, जो आप ये चाय का जो स्टॉल है जो वो है बड़ा ट्रेडिशनल पुराना का, ये कहाँ से आपने लिया आइडिया, ये आपका खुद का है या पेशावर या आपके गांव का, कहाँ से है ये आइडिया? ये सर हमारा बेटे का जो कदीमी कानून के जो सिस्टम हम तैयार करते थे ये उसी इलाके का हमारा है, और यहाँ पे चूँकि लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं थे जब हम सरगोधा में पहली दफ़ा आए, जो हमारा असल में ये प्याली वाला सिस्टम है, लोग जब यहाँ पे आते थे तो इससे डरते थे कि पता नहीं इसमें चाय गर्म होती है तो इसको कैसे पिएंगे हम, ठीक है। तो बस लोगों को फिर आस्ते आस्ते हमने समझाया कि भाई ये गर्म नहीं होती, ये इससे आप इंजॉय करें पिए, लोगों को फिर आस्ते आस्ते इस चीज़ की तरफ भी बड़ा आने का लोगों ने सोचा कि भाई बहुत अच्छा इधर का माहौल भी दिया जाता है और खाने भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी होटल हैं हमारे मयार के मुताबिक हम चीज़ देते हैं और चाय तो माशाल्लाह फिर आपके सामने। तो अभी ये कस्टमर हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा आपको ये कैसा कोयटा होटल का जो पराठा है या जो भी आपने ऑर्डर किया वो कैसा लगा आपको? हमें तो यहाँ की सारी चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा, बहुत अच्छा खाना पकता है यहाँ पर, बहुत अच्छी चाय है, ठीक है। कोयटा होटल यहाँ पर हम अब नहीं आ रहे, हमें यहाँ पर काफ़ी अर्सा हो गया हम यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आके। जी भाईजान थोड़ा की राय ऐसे ही बात है, काफ़ी टाइम से हम यहाँ पर आ गए हैं, नाश्ता करते हैं, यही टाइम जब भी टाइम मिलता है हम आ जाते हैं, ठीक है, तो काफ़ी मज़े का होता है। अच्छा। इसीलिए हम आते रहते हैं, ठीक है।